हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चे आज का जो क्वेश्चन है ये भी ग्रुप थ्योरी के रिलेटेड है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25। बच्चे सबसे पहले जब भी ऐसे वाला क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, ग्रुप को, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को आपने पार्टी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लेना है। 25 है जैसे, तो यहाँ पर आ गया 5 स्क्वायर। ठीक है जी, ये जो पावर होती है इसकी आपने पार्टीशन चेक करनी है कितनी है। ठीक है जी, पार्टीशन चेक करनी है कितनी है। जैसे 2 की पार्टीशन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। ठीक है, तो 2 2 के भी इक्वल होते हैं। एक पार्टीशन ये आ गई और एक पार्टीशन ये आ गई, तो यहाँ पर 2 पार्टीशन आ गई, है ना। तो अब 2 पार्टीशन आ गई तो आपके पास क्या आएगा, इसकी डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे हम काउंट करेंगे। जैसे नंबर ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट कितने आएंगे, 2 आएंगे। नंबर ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट कितने आएंगे, 2। नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 625। ग्रुप का ऑर्डर पहले, सबसे पहले ग्रुप का ऑर्डर लिखना है आपने 625। ये क्या होता है, 5 की पावर 4। अब बच्चे 4 की आपने पार्टीशन लिखनी है, 4 की पार्टीशन क्या क्या आ सकती है। 4 की पार्टीशन आ सकती है 4 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1। ठीक है जी, आगे फर्दर 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, अब यहाँ पर एक पार्टीशन 2 प्लस उसकी भी आगे फर्दर पार्टीशन कर दिया करो, 2 प्लस 2 की पार्टीशन 1 प्लस 1। ठीक है जी, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, चेक करना क्या आया। अगर मैं पार्टीशन ऑफ 4 लिखूँ तो आंसर आया 5, चेक कर लो पार्टीशन ऑफ 4 कितना आंसर आया, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 4 का 5 आया आंसर। ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टीशन है। नंबर ऑफ पार्टीशन किसके इक्वल होता है, पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के इक्वल, तो ठीक है जी, शॉर्ट ट्रिक पता चल गई। कौन कौन सी आएंगी वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है जी, कौन कौन सी आएंगी वो भी मैं बता देता हूँ। तो वो कौन कौन सी आएंगी, वेट, मैं पहले, सबसे पहले जनरल फार्मूला आपको बता दूँ, जनरल फार्मूला कैसे काउंट करना है। अगर यहाँ पर आ जाती हैं आपके पास, क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1175। ऑर्डर 11, सॉरी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 1176। ठीक है जी, 1176। तो बच्चे इसकी पार्टीशन अगर, सॉरी, इसकी आप फैक्टराइजेशन करोगे तो वो क्या आएगी, 2 रेस टू पार 3 मल्टीप्लाई 3 रेस टू पार 1, 7 रेस टू पार 2। बच्चे अगर मैं बात करूं बेटा, पहले भी मैंने बताया था, जब भी कोई आए तो आपने जस्ट उसकी पावर की फैक्टराइजेशन करनी है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं 3 की फैक्टराइजेशन, पार्टीशन क्या होती है, 3 की पार्टीशन होती है, जैसे 3 फर्स्ट आ गया 3। ठीक है जी, देन 2 प्लस 1। ठीक है जी, अब 2 को भी ब्रेक कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3 आ गया आंसर। ठीक है, ये 3 आ गया। नेक्स्ट, अब 1 की बताओ पार्टीशन, 1 की पार्टीशन कितनी आएगी, 1 को कैसे लिख सकते हो, 1 ही लिख सकते हो ना बेटा, ब्रेक करना होता है, कैसे भी स्प्लिट करना है कैसे भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये पार्टीशन 1 ही आई, 1 पार्टीशन। ठीक है जी, नेक्स्ट है मेरे पास 2, तो 2 की पार्टीशन कितनी आएगी, 2 की 1 2 सेम आ गई, 1 प्लस 1। पॉजिटिव में लिखना होता है, नेगेटिव में मत लिख देना, तो ये आ गई 2। ठीक है जी, अब इसके नंबर ऑफ पार्टीशन, नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स आपको फाइंड करनी है, तो क्या है, इन तीनों की प्रोडक्ट कर दो, वो आ जाएंगी पॉसिबल, तो 6 आएंगी बच्चे, इन तीनों को प्रोडक्ट कर दो, तो नंबर ऑफ पॉसिबल कितने आएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, बच्चे ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइमिंग में भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं अगर आप वैसे इन जनरल आप क्वेश्चन करोगे, बट ट्रिक्स के साथ क्या है, इसमें कोई खास टाइम नहीं लगता। ठीक है जी, ये सेशन इसीलिए स्टार्ट किया गया, विद इन सेकंड, विद इन मिनट आप कैसे क्वेश्चन करते हो। ठीक है, पेपर में टाइमिंग कंज्यूमिंग ना हो, आता सभी को होता है मैथ का पेपर, जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की है आता सभी को होता है, बट टाइमिंग मैटर करती है यहाँ पर। ठीक है जी, नेक्स्ट बच्चे अब बात आती है भाई, मैंने ये फॉर्मूला तो आपको बता दिया है ना, मैंने फॉर्मूला बता दिया भाई, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन डिफरेंट हो तो आपने अलग अलग करके निकाल देनी, वो आएंगी क्या, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स तो आएंगी, वो आएंगी क्या, कौन सी डायरेक्ट प्रोडक्ट्स आएंगी। ठीक है, तो कई बार वो 4 ऑप्शन दिए होते हैं भाई, ये पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं, तो वो आपने बताना होता है, ये है, ये है, ये है, या ये है, या कौन सी नहीं है वो पूछ लेते हैं भाई। ऑर्डर ऑफ 1176 की उन्होंने बोल दी भाई कौन सी डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो वो उसको आपको पहचानना होता है, तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है वो मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है जी, हाँ जी, फिर से बच्चे मैं वही छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ऑर्डर ऑफ, अगर मैं बात करूँ तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, हाँ जी, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 25 है। ठीक है जी, 25, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 स्क्वायर, है ना। तो बच्चे अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक पार्टीशन, एक तो ये थी, एक ये थी ना पार्टीशन 1 प्लस 1, है ना,
एक ये थी 1+1 है ना। तो बच्चे पॉसिबल पता क्या होता है जी, किसके पॉसिबल होती है अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट प्रोडक्ट कौन सी आएंगी, वो आएंगी जेड एक 5² यहाँ पर, ठीक है जी, एक पॉसिबल। सेकेंड जेड, ये पता चल रहा है 5^1, ठीक है जी, क्रॉस 5^1, समझ आया? अगर आ गया तो बच्चे जनरल फॉर्मूला में लिखता हूँ, क्या आपको पता चल रहा है, क्या आपको पता चल रहा है? अगर मैं यहाँ पर 625 का निकाल रहा हूँ तो 625 तो क्या था 5^4, ठीक है जी, 5^4। अब मैं पार्टीशियंस लिख रहा हूँ, 5^4 की एक 5^4 ही आएगी, ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट आएगी 5^3+1 आएगी, 4 की पार्टीशियन 3+1 आएगी। नेक्स्ट आएगी बच्चे 5^2+2 आएगी, ठीक है, समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट आएगी, अब मुझे पता है आगे फर्दर इसको ब्रेक करना है, एक को फिक्स करके फर्दर ब्रेक कर दिया करो 1+1, चेक कर लो यहीं आएंगी ना, और तो नहीं कोई। अगर मैं यहाँ पर भी 1 करता हूँ, ठीक है जी, हाँ जी, सॉरी बच्चे यहाँ पर मिस्टेक है, इसको भी 1 1 से कर सकते हो ना, तो पीछे वाला भी सही कर लेना 625 की नंबर ऑफ पार्टीशन। ये देखना यहाँ पर भी 1 1+1 लिख सकता हूँ ना मैं, तो क्या आएंगी यहाँ पर 5^1+1+1+1, चेक करना क्या आया। अगर मैं पार्टीशन ऑफ 4 लिखूँ तो आंसर आया 5, चेक कर लो पार्टीशन ऑफ 4 कितना आंसर आया, 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 4 का 5 आया आंसर, ठीक है। ये नंबर ऑफ पार्टीशन है, नंबर ऑफ पार्टीशन किसके इक्वल होता है, पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ पर पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के इक्वल, तो वहाँ पर 5 आनी थी जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था, ठीक है जी। अगर बच्चे इसके रिगार्डिंग मैं बोलूँ कौन कौन सी वो जी बनेंगी डायरेक्ट प्रोडक्ट में, कौन कौन सी वो जी बनेंगी, वो जी बन सकती है बच्चे ये देखना, जेड 5^4, ठीक है जी, 1, जेड 5^3 देख लो बच्चे, क्रॉस जेड 5^1, चेक करना 3 1 4, नेक्स्ट जेड 5^2 क्रॉस जेड 5^2, ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ से जेड 5^2 क्रॉस जेड 5^1 क्रॉस जेड 5^1, ठीक है जी। सिमिलरली लास्ट वाला क्या आ जाएगा, जेड 5^1 क्रॉस जेड 5^1 क्रॉस जेड 5^1 क्रॉस जेड 5^1, तो बच्चे ये कितने आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 5 हैं। अगर यहाँ पर लिखूँ तो क्या आएगा, जेड 625 जेड 125 जेड 5, ठीक है जी, इन दोनों की प्रोडक्ट, ये आपके पास पॉसिबल क्या है, पॉसिबल जो थी डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 625 के मैंने सारे बताए हैं, ठीक है जी। अब जैसे 1176 का मैंने बताया सेम, वैसे मैं वो भी बता देता हूँ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है जी, अपनी ओर से मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ भाई आपको समझ आ रही है, ठीक है जी, और बाकी शेयर ना करना करना वो आपके ऊपर ही, अगर समझ आ रही है तो बच्चे शेयर शेयर कर दिया करो, थोड़ा ये हो जाता है आगे मोटिवेशन मिलती है भाई आगे फर्दर कंटिन्यू करें, ठीक है जी। हाँ जी बच्चे 1176 अगर ग्रुप ऑफ ऑर्डर है, 1176 ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 1176, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई थी उसकी, 2^3 था, 3^1 था और 7^2 था, ठीक है जी, ये उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई थी वो लिखी है मैंने। अब बच्चे इसकी पार्टीशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो सबसे पहले एक पार्टीशन, अब अगर इसकी बात करूँ, ठीक है जी, मैं यहाँ पर प्रॉपर ही बात करता हूँ, स्टार्टिंग विद हाईएस्ट, ठीक है, अगर बोल रहे हो स्टार्टिंग विद लोएस्ट भी मैं चल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो स्टार्टिंग विद लोएस्ट, लोएस्ट पावर कितनी है 1, तो 1 की पार्टीशन सेम रहेगी 2^3 3^1, 1 की पार्टीशन की है बच्चे मैंने, हाँ जी, ये पार्टीशन आ गई एक, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्टीशन 1 की पार्टीशन की है, 1 = 1 ही होता है, 2^3, नेक्स्ट बच्चे 2 की करने जा रहे हैं, ठीक है जी, 2 की पावर 2 की, ये वाले की पावर 2 की, हाँ जी, पावर 2 की अगर मैं बच्चे बात करूँ, पहले एक आती है सेम, ठीक है, एक सेम आ गई, 2 2 = 2, एक आ जाएगी, मिस्टेक है मैं बताता हूँ अभी, मिस्टेक है एक, वो मैं बताता हूँ अभी, एक आ जाएगी सेम, सॉरी यहाँ पर 1+1 लिखूँ ना, हाँ जी बच्चे ये देखना, ये तो दोनों सेम आ गए, पार्टीशन तो सेम हमने उठानी नहीं होती है ना, पार्टीशन सेम तो हमने पिक नहीं करनी, तो ये बच्चे एक रिमूव कर देंगे, जो सेम है वो नहीं लिखना, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये दोनों पार्टीशन होगी, अब स्टार्ट होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अब ये दोनों ऐसे, ये दोनों फिक्स रहेंगे, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ तो ये दोनों फिक्स रहेंगे, ये पीछे वाले फिक्स रहेंगे, आगे वाले में चेंजेस जो होंगे वो ही लिखेंगे, ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब मैं सेम लिखे हैं अभी, अब मैंने इन दोनों को नहीं चेंज करना, इसके पॉसिबल जितने हैं वो मैंने लिखने हैं, इसके पॉसिबल देखना बच्चे, इसके पॉसिबल क्या आएंगे, 2^3, 3 का 3 सेम नहीं मैं लिख सकता, उसका कारण है वो सेम हो जाएगा 2+1, बाकी वैसे का वैसा, ठीक है जी। नेक्स्ट 2+1 2 को फर्दर ब्रेक कर दो बच्चे,
टू रेस टू पावर वन प्लस वन प्लस वन, तो थ्री रेस टू पावर वन सेवन रेस टू पावर टू, ठीक है जी। अब नीचे कोई और है, अगर मैं नीचे भी सेम करता हूँ, टू रेस टू पावर टू प्लस वन क्रॉस थ्री क्रॉस सेवन रेस टू पावर वन क्रॉस वन, सॉरी वन प्लस वन है यहाँ पर, चेक कर लो बच्चे, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम तो नहीं है ना, चेक कर लो, अगर प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूँ। टू रेस टू पावर वन प्लस वन प्लस वन, हाँ जी, थ्री रेस टू पावर वन क्रॉस सेवन रेस टू पावर वन प्लस वन। बच्चे ये पार्टीशियन है, इससे पता चलेगा क्या क्या आएंगे, ये हमने राइट कर लिया ना, चेक कर लो, कोई भी किसी के साथ मैच नहीं कर रही पार्टीशियन। अगर यहाँ पर वन प्लस वन है, यहाँ पर वन प्लस वन है, बट यहाँ पर टू प्लस वन है, चेक कर लो। अगर यहाँ पर वन प्लस वन है, यहाँ पर वन प्लस वन है, बट यहाँ पर टू टू रेस टू पावर वन प्लस वन वन है, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट बच्चे अगर मैं फर्दर कंटिन्यू करूँ तो, हाँ मैं ऊपर राइट कर रहा हूँ इसकी पार्टीशन, सबसे पहले इसकी पार्टीशन ये देखना क्या बनेगा, जेड, हाँ जी, जेड टू रेस टू पावर थ्री, मीन्स टू से टू रेस टू पावर थ्री यहाँ पर आएगा, प्रोडक्ट का साइन, जेड थ्री रेस टू पावर वन क्रॉस जेड सेवन रेस टू पावर टू, चेक करना सही है बच्चे, समझ आ रहा है, जस्ट इसको पैर में लिखा हुआ है, इसके फिक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, फिक्स लिया हुआ है, सेम चीज, चेक कर लो, फिक्स लिया हुआ है, सेम चीज, कोमा ऊपर जस्ट जेड जेड लगाएं, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ सीधा यहाँ पर जेड जेड लगा दो, ठीक है जी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चे, थोड़ा चेंज आएगा, वेट वेट चेंज आएगा, हाँ जी चेंज आएगा, सॉरी सॉरी चेंज आएगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर जब टू प्लस वन लिखा हुआ है उसको क्या लिखना है, जेड टू रेस टू पावर टू अलग, और जेड टू रेस टू पावर वन अलग, जेड टू रेस टू पावर वन अलग, चेक करना, टू रेस टू पावर टू अलग कर दी मैंने, टू रेस टू पावर वन अलग कर दी, मल्टीप्लाई जेड रेस टू पावर थ्री जेड रेस टू पावर सेवन स्क्वायर, ठीक है जी, सेम। अब थ्री टाइम ब्रेक होगा, समझ आ रही है, थ्री टाइम ब्रेक होगा, कैसे, जेड ये देखना, जेड टू रेस टू पावर वन, जेड टू रेस टू पावर वन, जेड टू रेस टू पावर वन, ये थ्री टाइम ब्रेक होगा, और ये साथ में प्रोडक्ट जेड थ्री रेस टू पावर वन, साथ में प्रोडक्ट जेड सेवन रेस टू पावर टू, ठीक है जी। फर्दर कंटिन्यू यहाँ से, यहाँ पर थ्री, ये सिंपल है, यहाँ पर दो बनेंगे, है ना, जेड सेवन एंड जेड सेवन बनेगा, कोमा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बनेंगे जेड टू रेस टू पावर थ्री मल्टीप्लाई जेड थ्री मल्टीप्लाई जेड सेवन रेस टू पावर वन मल्टीप्लाई जेड सेवन रेस टू पावर वन। बच्चे जब आप अपनी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, तब ये प्रॉपर पूरी तरह ईजी लगेगा आपको, दो मिनट का ही काम है, फिर ज़्यादा नहीं है ये वाला। अब जेड यहाँ पर देखना बच्चे, टू रेस टू पावर टू अलग एंड जेड टू रेस टू पावर वन अलग, यहाँ पर साथ में मल्टीप्लीकेशन में जेड थ्री मल्टीप्लाई जेड सेवन रेस टू पावर वन है, ठीक है, दोनों में रेस टू पावर वन, कॉमन लास्ट जेड टू क्रॉस जेड टू क्रॉस जेड टू क्रॉस, ठीक है ना, टू के रेस टू पावर वन, टू के रेस टू पावर, यहाँ पर टू रेस टू पावर वन ही लिखा हुआ मैंने अलग अलग करके, और यहाँ पर आ गया जेड थ्री।